हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेल, आज के इस वीडियो में हम Realme TechLife Watch S100 के स्पोर्ट्स मोड की टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हो, इस वक्त भी वेयर करके रखा हुआ है। गाइस, इसके अंदर में आपको 24 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स मोड की तो टेस्टिंग नहीं करूँगा, बट हाँ, आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, फ्री ट्रेनिंग, सिटअप्स एंड योगा की यहाँ पे टेस्टिंग करूँगा और देखूँगा कि ये स्मार्ट वॉच जो है कितने अच्छी तरीके से डाटा को रिकॉर्ड करता है, खासतौर पे जो फुट स्टेप्स है उसको कितने अच्छी तरीके से ये काउंट करता है, कितने अच्छी तरीके से जो है वो ट्रैक करता है। एंड गाइज, इस स्मार्ट वॉच को इस वक्त मैंने जो है ना अपने स्मार्टफोन से जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है Realme Fit ऐप के जरिए। इस वक्त कनेक्टेड है ये। एंड गाइज, यहाँ पे पहले तो मैं आउटडोर रनिंग की यहाँ पे टेस्टिंग करूँगा। पहले 100 स्टेप अप जाऊँगा, फिर 100 स्टेप डाउन आऊँगा, देखूँगा कि इसने कितने अच्छे से डाटा को ट्रैक किया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आउटडोर रनिंग से। आई थिंक दिख रहा हो आपको, मे बी। ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, एक मिनट 49 सेकंड्स का जो है वर्कआउट था ये मेरा। 110 BPM, 110 BPM दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये 221 जो है स्टेप्स इसने काउंट करे हैं दोस्तों, में भी दिख रहा होगा आपको, 221 स्टेप्स काउंट करे हैं। एंड गाइस, मैंने 210 यहाँ पे जो है स्टेप्स लिए थे जाने में और आने में, तो यहाँ पे जो है लगभग ठीक ठाक ही यहाँ पे जो है स्टेप ये काउंट कर रहा है। देखिए, 5-10 का डिफरेंस तो रहता ही, 100% तो एक्यूरेट कोई रहता नहीं है। तो ये फर्स्ट टेस्ट था, कैलोरी इसने जो है 12 कैलोरीज जो है बर्न करे हैं, 110 BPM जो है मेरा हार्ट रेट वो दिखा रहा है। तो ये फर्स्ट टेस्ट था जिसमें इसने 11 स्टेप जो है वो डिफरेंस किया है। एक बार जो है सेकंड टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, सो स्टॉप कर दिया मैंने, 210 स्टेप्स लिए हैं, देखते हैं। BPM दिखा रहा है, 1 मिनट 35 सेकंड का ये जो है वर्कआउट सेशन था। आप यकीन नहीं मानेंगे, दोबारा से इसने जो है 221 स्टेप ही काउंट करे हैं और फर्स्ट वाले जो सेशन था उसमें भी इसने 221 ही काउंट करे थे, जबकि फर्स्ट में मैंने 210-211 के आसपास जो है वो जो है अप एंड डाउन हुआ था स्टेप्स जो थे। तो लगभग जो है ये ठीक ठाक ही यहाँ पे जो है फुट स्टेप को काउंट कर रहा है आउटडोर रनिंग के दौरान में दोस्तों। 5-10 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, काफ़ी ठीक है। ओके, अब आते हैं इसके आउटडोर वॉकिंग टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें जो है कितने प्रिसाइजली तरीके से ये आपके फुट स्टेप को जो है वो काउंट करता है। आउटडोर वॉक स्टार्ट करते हैं।
ओके ओके, मैंने 100 स्टेप लिए और ये मुझे जो है वो डाटा रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है, बोल रहा है कि टू लिटिल डाटा टू सेव। तो भाई इसको जो है हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। ओके गाइस, ओके अब इसने डाटा सेव कर लिया है। 2 मिनट 5 सेकंड का वर्कआउट सेशन था ये, मैं भी शायद दिख रहा हो आपको। ओके गाइस, एंड 110 BPM दिखा रहा है, 110 BPM ये शो कर रहा है इस वक्त, और 209 स्टेप यहाँ पे इसने ट्रैक करें। एंड गाइस, 205 स्टेप मैंने लिए, 205 स्टेप्स मैंने जो है वॉक किए, पहले वाले टर्न में जो है 101 और इस वाले टर्न में जो है मैंने 104 जो है स्टेप्स लिए थे, और इसने जो है काफ़ी एक्यूरेटली तरीके से जो है स्टेप्स को जो है वो काउंट करे हैं। एक्यूरेटली काफ़ी ज़्यादा, मतलब 98% अच्छे से इसने ट्रैक किया है। तो यहाँ पे जो फुट स्टेप है, चाहे आउटडोर रनिंग में हो या फिर आउटडोर वॉकिंग में हो, ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है फुट स्टेप को जो है वो काउंट करता है, ट्रैक करता है आपके, और सारे डाटा को अच्छे से दिखाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो बजट सेगमेंट के जो स्मार्ट वॉच होते हैं ना, उनमें मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं तो कोई कोई जो है आपको 50 स्टेप दिखाता है, कोई 60, कोई 70, ऐसा होता है, और वो जो है ना 30-40 डिफरेंस रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस होता है। बट इसके अंदर में आपको जो है ना 10 या 15 इतना ही डिफरेंस दिखाता है, जो कि मेरे हिसाब से जो है काफ़ी हद तक काफ़ी ठीक रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे रनिंग वगैरह करते वक्त में, स्पोर्ट्स मोड में, ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डाटा को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है और ट्रैक कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ओके गाइस, अब जो है मैं फ्री ट्रेनिंग में इसकी टेस्टिंग करता हूँ, योगा में एंड जो है सेटअप वगैरह में इसकी टेस्टिंग करता हूँ, और मैं जो है अपना टोटल डिटेल रिव्यू जो है ना कल या परसों तक आ जाएगा, उसमें सब कुछ आपको डिटेल में समझा दूंगा। ये एक छोटा सा टेस्ट था कि ये वाकई में कितने अच्छी तरीके से आपके जो है एक्टिविटीज़ को वो ट्रैक करता है। डिटेल रिव्यू का इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों, इसी चैनल पे इसका एक डिटेल रिव्यू आ जाएगा, उसमें आपको इस स्मार्ट वॉच के जितने भी फैक्ट है, जितने भी प्रोज कौन है, सारे के सारे आपको जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जब भी डिटेल रिव्यू आएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।